नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। तो हम यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम पे बात करते हैं। एनडीएस मतलब योगाहार। योग शास्त्रों ने जो हमें सिखाया है कि आप जो भी काम करो, भगवत गीता में स्पष्ट भगवान ने लिखा है कि योगः कर्मसु कौशलम्। आप जो कर्म करते हो इसमें कुशलता प्राप्त कर लो, वही योग है। आप खाने में कुशलता प्राप्त करो, वो भी योग है। ऐसा जरूरी नहीं है सुबह में बगीचे में जाओ और वहां कसरत करो या कुदाकुद करो। आप जो भी काम करते हो, आप अकाउंट लिखते हो तो इसमें कुशलता प्राप्त करो, आप डॉक्टर हो तो इसमें कुशलता प्राप्त करो, आप शिक्षक हो तो इसमें कुशलता प्राप्त करो। अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाइए और बच्चे के माइंड में सेट हो जाए, वो सीख जल्दी पा जाए, सीख ले जल्दी। ऐसे तरीके आप ढूंढ निकालो तो वो भी एक प्रकार का योग है। हाँ, तो मनुष्य जीवन में, हमारे जीवन में जो कर्म करने के लिए आते हैं सुबह से शाम तक और पूरी जीवन में, वो सारे कर्म में हमको अच्छा कर्म करना है, उसमें कुशलता लाना है। इसकी जरूरियत कैसी है, जरूरत के हिसाब से वो कर्म करना है और उसके फायदे मैक्सिमम मिल जाए, उसी तरह कर्म करने का सीख लो, वो भी योग है। तो हमको यहाँ शरीर को अच्छा रखने के लिए जो कर्म करना पड़ता है वो सारे योग ही है। और आप एनिमा लेते हो शरीर को ठीक करने के लिए तो वो भी एक प्रकार का योग है। आप सब योगी ही है। देखो मेडिटेशन, हर रोज हमारे जीवन में सुबह से शाम तक रहता है और इसीलिए तो हम अपने बच्चे को कुछ भी काम करने से पहले हर बार याद कराते हैं, बेटा ध्यान रखना, ध्यान रख के चलाना, ध्यान रख के पढ़ाई करो, ध्यान रख के साइकिल चलाओ। तो ये सब क्या है, यही तो मेडिटेशन है, यही तो योग है। कुछ नया नहीं है। मेडिटेशन के लिए कोई आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करते हो ध्यान पूर्वक करते हो, वही मेडिटेशन है। और मेडिटेशन का मतलब यही है कि आप जो भी काम करते हो उस टाइम आपके श्वास रुके हुए होते हैं, वो एकदम स्लो होते हैं। आप चेक करना, आप कुछ भी काम ध्यान पूर्वक करोगे ना तो आपके श्वास की गति बिल्कुल स्लो हो जाएगी, तभी वो आप काम अच्छा कर सकते हो। आपका श्वास ब्रीदिंग फास्ट रहेगा और आप अच्छा काम करने जाओगे तो हो ही नहीं सकता। आप जब गुस्से में होते हो तो गुस्से में अपनी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, तो उस टाइम आप कोई काम अच्छा नहीं कर सकते, आप नुकसान वाले ही काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप ध्यान में नहीं हो। ध्यान इसी को बोलते हैं जब हमारी ब्रीदिंग धीमी हो जाती है, स्लो मोशन होती है, तभी आप अच्छा काम कर पाते हो। ठीक है, तो ये योग यही बातें सिखाती है। तो हमको यहाँ योगाहार में शरीर को ठीक रखने के लिए ये छोटी बातें का ध्यान रखना है, शरीर की सफाई का ध्यान रखना है, शरीर को सही खुराक देना है, खुराक कैसे देना है, क्या देना है, कब देना है, किस तरह देना है और कौन सी सावधानी रखनी है। पकाया तीनों टाइम नहीं खाना है, खाओगे तो बीमार पड़ोगे। और डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है, हो सकता है तब तक बीमार नहीं हो, खाओगे तो चलेगा, लेकिन जैसे बीमार पड़ते हो तो छोड़ दो। ठीक है, तो ये छोटी बातें आप याद रखिए और इसी के ऊपर से ये पूरा चार्ट है आहार का, इंजीनियरिंग। धीरे धीरे चबा चबा के खाए, धीरे पिए, चबा के खाए, वो बीमारी नहीं पड़ते। शरीर की सफाई के लिए आपको आंतों की सफाई रखनी पड़ेगी, एनिमा लेते रहिए। हाँ, एनिमा तीन प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, एक डब्बा आता है, दूसरा एक पंप भी आता है और तीसरा डायरेक्ट नल में लगाने वाला आता है। ये तीनों चीज आपको अवेलेबल है हमारे यहाँ से। छोटी आंत की सफाई रेगुलर होनी चाहिए, हफ्ते में 2 बार सफाई के लिए मल शुद्धि पाउडर का इस्तेमाल किया करो और हर रोज ले सके सकते हो तो त्रिफला ले सकते हो, तो ये भी आंतों की सफाई के लिए अच्छा है, कोई नुकसान नहीं है उसका। खून की सफाई,
बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको मजदूरी करके पसीना निकालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो आप वो काम करते हो तो पसीना निकलता है, तो ये यही तो खून की सफाई हो रही है। आपने जो खाया है वो इस्तेमाल हो रहा है, खर्च हो जा रहा है, तो कचरा बचता नहीं है, इसीलिए बीमारी नहीं आती है। ज्यादातर मजदूरी करने वाले बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन शहर में रहने वाले लोगों को अभी फैसिलिटी बहुत हो गई है। कहीं भी जाना है तो बाइक है, एक्टिवा है, गाड़ी आ गई है, मजदूरी पहले की तरह है नहीं। तो आप जितना खाते हो इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, इसीलिए आपको सुबह सुबह में योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आपको उपवास करना चाहिए, एक टाइम छोड़ दो खाना पीना, या खुराक में आप ध्यान रखो, खट्टे फल का इस्तेमाल किया करो। आपने जो भी कचरा खाया है खुराक में, ऐसे कचरा बचा है शरीर में, वो खट्टे फल निकालते रहेंगे। तो ये रेगुलर सफाई अपने शरीर की होती रहनी चाहिए। शरीर का खुराक जो है वो अल्कलाइन होना चाहिए। हम जब पकाते हैं तो वो सब एसिड हो जाता है। एसिडिक खुराक कच्चे में होता है, जो खट्टे फल होते हैं ज्यादातर एसिड होते हैं, लेकिन उसका काम है सफाई करना। तो हम जो खाते हैं उसका बचा हुआ कचरा को बाहर निकालने के लिए खट्टे फल जरूरी है। तो पकाया जो खाते हैं इसमें कचरा सबसे ज्यादा बढ़ता है, उसको निकालने के लिए खट्टे फल जरूरी है। और दूसरा, शक्तिदायक चाहिए, रिपेयरिंग के लिए न्यूट्रिशन भी चाहिए, और शरीर के कामदार जो हम बोलते हैं, हमारा जो खून है लाल रंग का, जिसको हम हिमोग्लोबिन बोलते हैं, वो हमारे कामदार है, वो हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। वो कैसे काम करते हैं उसका पूरा वीडियो आप हमारी योगाहर हिंदी में नाम का जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, उसके ऊपर जाके वो वीडियो देख सकते हो, इसमें आपको सारा मिल जाएगा। दूसरा, आप चबा के खाइए, स्वाद के अनुसार, जरूरत के हिसाब से स्वाद तय करो। आपको शक्ति की जरूरत है तो मीठी चीजें खाइए, आपको सफाई की जरूरत है, वजन कम करना है तो खट्टी ज्यादा खाइए। आप तीखा खाओगे तो मुंह में पानी लाएगा, सलाइवा लाएगा। तो ये तीखा पित्त करता है, खट्टा आपका शरीर में खून में वायु बढ़ाता है, जरूरत से ज्यादा खाओगे तो, और मीठा ज्यादा खाओगे तो कफ करेगा। तो कफ पित्त वायु वहां से आते हैं और डेयरी प्रोडक्ट से होते हैं। तो इससे बचो, थोड़ा कंट्रोल में खाइए। वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो कड़वा रस सबसे बढ़िया काम करता है। तो हमारे शरीर में ये इतनी छोटी सी बातें आप याद रखो और प्रयोग करते रहिए, शरीर में समस्या आएगी नहीं। फास्टिंग करते रहिए, आप हर रोज एक टाइम उपवास करो, या तो हफ्ते में एक बार किया करो 24 घंटे का, तो भी शरीर में बीमारी नहीं आएगी। तो सफाई और खुराक दोनों जरूरी है। आज आगे प्रश्नों में देखते हैं। एक प्रश्न आया है, सर विमल पटेल हियर, सर आंतरडा साफ राखवा माटे शू करवू अने पेट साफ आवे एना माटे शू करवू ते जनावशो प्लीज। मैं पाइल्स नु ऑपरेशन कराव्यू छे 3 वर्ष पहला, हवे पाइल्स ने कोई तकलीफ नथी, पण सवारी टॉयलेट क्लियर आवतु नथी, तो शू करवू ते जनावशो, आभार। ये विमल पटेल है, गुजराती में लिखा है उन्होंने। वो बोल रहे हैं कि आंतों को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए। पाइल्स का ऑपरेशन उन्होंने करवाया है, उसकी समस्या नहीं है, लेकिन टॉयलेट क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने राय मांगी है। तो यहाँ एक छोटी सी बात है कि आप चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। जो चबा के खाते हैं उसको टॉयलेट की समस्याएं बहुत कम रहती है, क्योंकि एकदम जीना होके रस होके शरीर में जो खुराक जाता है वो आंतों को आराम से पचने में भी कोई दिक्कत नहीं रहती है, उस मल को बाहर निकालने में भी दिक्कत नहीं रहती है। तो चबा चबा के खाने की आदत डाल लो। दूसरा, आपका खुराक जो है उसमें वजनदार खुराक कम खाइए, वजन वाला कम। मान लो जो खुराक पानी में बैठ जाते हैं, अनाज है, कठोर है, ड्राई फ्रूट्स है, सलाड है, बीट गाजर जैसे कंदमूल है, तो ऐसे वजन वाली चीजें कम खाइए। वजन में हल्की पत्ती सब्जी फ्रूट ज्यादा खाइए तो पेट साफ रहेगा। खट्टे फल का इस्तेमाल कीजिए, खट्टे फल भी सफाई का काम करते हैं। हाँ, कई लोगों को ऐसा अनुभव है कि जब दालें खाते हैं, हम दाल चावल खाते हैं, तो जो कठोर की चीज खाते हैं तब दूसरे दिन टॉयलेट जल्दी आता है। तो ये टॉयलेट उस दिन जो जल्दी आता है, वो शरीर को जो आपने दाल खाई है वो सड़ रही है, वो सड़ जाए और आपको बीमार करे, इससे पहले वो बाहर फेंक देती है।
इसीलिए आपको टॉयलेट जल्दी आता है। तो यहाँ उसका कारण टॉयलेट होने का अलग है, सडन है, सडन के कारण शरीर उसको फेंक रही है। ठीक है, तो हमको पत्ती सब्जी फ्रूट वो ज्यादा खाने चाहिए पेट साफ रखने के लिए। भारी चीजें कम खानी चाहिए, वजन वाली चीज कम खानी चाहिए, और चबाने की आदत तो डाल ही देनी चाहिए। हाँ, वो अपने रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में हो जाना चाहिए। या तो चबा के खाने का टाइम दो, या तो योगा एक्सरसाइज करने का टाइम दो, या तो डॉक्टर को दो, किसी एक को देना ही है, तो क्यों ना चबा के खाने का टाइम दे। हाँ ठीक है, तो ये आहार का इंजीनियरिंग याद रखो, शरीर को कौन सा खुराक का कब जरूरत है, कैसे देना है, शरीर की सफाई और खुराक क्या खाना है, ध्यान रखिए। हरी पत्ती आपके खाल खुराक में सबसे ज्यादा शामिल करें, वही हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा खुराक है, सबसे अच्छा। दूसरा एक भाई ने मैसेज दिया है, सम्माननीय राजेश भाई, सम्माननीय मारा मोटा भाई, सम्माननीय नरेंद्र भाई, मुंबई, मुंबई में नरेंद्र भाई पटेल करके है, वो हमारे समाज के हैं, यहाँ गुजरात के हैं, यहाँ गांधीनगर जिले में देलवाड़ा गांव है, मानसा तालुका में, वहीं के नेटिव वाले हैं वो भाई नरेंद्र भाई। बॉम्बे में वो हार्डवेयर और उसका सब बिजनेस करते हैं। तो वो ये नए भोजन प्रथा, ये रॉ डाइट का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि नरेंद्र भाई मुंबई से, नई भोजन प्रथा के रचयिता चौहान साहब ने सबको मेरे हृदय से वंदन। सहर्ष जनावानों के एनडीएस प्रथा थी लोक सेवा खूब सरस रीते आपो छो, ते बदल दरेक मानवीय जीवन मो नवू जीवन जीववानी करा अने नवी दिशा बदल अमो, अमारा परिवार तरफ थी तमारा सर्व साधक मित्रों नो हृदय थी आभार व्यक्त करू छू। तो ए भाई बोल रहे कि भी आप सब चौहान साहब से लेके नरेंद्र भाई मुंबई में है, और आप ये जो हर रोज काम कर रहे हो लोगों के जीवन को बदलाव लाने का, जीवन में से दुख को दूर करके खुशी लाने की जो काम कर रहे हो, उसके लिए वो आभार व्यक्त कर रहे हैं। आजे दरेक मानवी ना जीवन में खूब कपरो समय आव्यो छे, कोरोना काल खूब ज खराब रीते लोगों ने प्रभावित करी, जीवन में अनगमती स्थिति सर्जाई छे। कोरोना ने हर जीवन को, हर लोगों के जीवन में जो अपेक्षा नहीं थी ऐसी स्थिति आ चुकी है। बिजनेस वालों के बिजनेस ठप हो गए हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, आप व्यवहार नहीं कर सकते हो। जोखम इतना ला दिया है कि हर एक के जीवन में खराब रीते कोरोना आ चुका है। प्रभु ये स्थिति में से लोगों को प्रेरणा दे और परिस्थिति को पहुंचने की शक्ति दे। तो ये प्रभु तो कुछ करने वाला नहीं है, ये हमको समझ थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ये लिख रहे हैं कि अगत्यनु जनावानु के एनडीएस थी साधको ये कोरोना ने केवी रीते हराव्यो तेना अनुभव तमारा माध्यम द्वारा लोगों सुधी पहुंचाड़वा विनंती। तो एनडीएस के साधकों ने कोरोना से कैसे बचे हैं उसके अनुभव आप ये आपके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लोगों को बताइए। ये चेतन भाई पटेल करके हैं मुंबई के, उनका नंबर यहाँ लिखा है। तो ये चेतन भाई पटेल ने सब लोगों के लिए कोरोना काल में लोगों को कैसे कोरोना से बचना चाहिए उसके पर उन्होंने राय मांगी है। तो कोरोना पर पहले भी मैं एक दो बार बता चुका हूं कि कोरोना से इतना डरने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे फ्लू टाइप के जो वायरस है, सर्दी जुकाम के वायरस है, इसी प्रकार का एक वायरस है, लेकिन ये थोड़ा नया वर्जन है। जैसे मोबाइल में नए वर्जन आते हैं, नए फीचर्स आते हैं, तो ये भी थोड़ा ज्यादा वो वायरस के हिसाब से थोड़ा ज्यादा जोखमी है, लेकिन इतना जोखमी नहीं है कि हमारे शरीर की पूरा जीवन ले ले, मृत्यु बोला ले, इतना जोखमी नहीं है। आप शुरू से अलर्ट रहो तो बच सकते हो। हाँ, आप अपने शरीर में इतना कचरा इकट्ठा कर लग के बैठे हो, आपका डायबिटीज है, बीपी है, गोलियां खाते रहते हो, भोजन छोड़ नहीं सकते हो, उपवास नहीं कर सकते हो, तो आपके शरीर में 24 घंटा कचरा जाता ही रहता है, और आप सफाई का काम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको कोरोना लग जाएगा तो आपको बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।
हाँ, ये खास महत्व की चीज है, बात ही यही समझनी है। शरीर को साफ रखो। शरीर को साफ रखने के लिए हमारे शास्त्रों ने हर हफ्ते या 15 दिन में एक बार उपवास करने के लिए बताया है। तो हम यहाँ यही सिखाते हैं कि भाई आप 15 दिन में या हफ्ते में 24 घंटे का उपवास करो, इससे अच्छा है हर रोज एक टाइम का उपवास कर लो, हर रोज की सफाई हर रोज कर लो। क्यों हफ्ते का इकट्ठा करने का और हफ्ते के बाद एक साथ कचरा निकालने का? हाँ? और दूसरा, आपके शरीर में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आपको पहले शरीर आपको अलर्ट करता है। हाँ? आपको गैस होती है तो आपको पता चल जाता है गैस हो गया है। एसिडिटी होती है तो पता चल जाता है कि एसिडिटी हो चुकी है। शरीर में वायरस घुसता है, सर्दी के, कफ के, या कोई भी, हाँ, आपको मलेरिया के भी वायरस आते हैं शरीर में, तो आपको बुखार, छोटा जीरण ताव बोलते हैं उसको, तो वो आपको पता चल जाता है। तो इनिशियल स्टेज पे जैसे आपको ऐसा कुछ पता चल जाए कि शरीर में कचरा बढ़ गया है, कुछ गड़बड़ी लग रही है, इमीडिएट खाना पीना बंद कर लो। हाँ, आपको उस टाइम भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे शरीर में कचरा है, लेकिन घर वाले को पता नहीं चलता है, वो ऐसे ही बोलेंगे खाना तो पड़ेगा, नहीं खाओगे तो अशक्ति आ जाएगी। दूसरे लोग आपका माइंड वॉश करते हैं। आपको खुद को, अपने शरीर को संभालना सीखना है। हाँ? दुनिया के कोई प्राणी अपने बच्चे को पकड़ पकड़ के कभी नहीं खिलाते, और हम यहाँ क्या करते हैं, बच्चे ने खाया नहीं, माँ पीछे भागती रहती है, पकड़ती है और जोरों से मुंह में डालती है। ये खिलाने की आदत छोड़ दो। हर व्यक्ति को भूख लगेगी, जो बच्चा होगा तो भी मांगेगा। हाँ? वो भूखा होगा तो तुरंत खाना चालू कर लेगा, नहीं है तो आप उसके सामने रख दो, वो नहीं खाएगा। इतना छोटा सा कुदरत का एक सिम्टम से भूख भूख जब लगती है तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ जो भी मिलेगा खा जाएगा। जब भूख नहीं है तो कुछ नहीं खाएगा। ये इतना जो अनुभव है, फीलिंग है बॉडी का, बस उसको तो ध्यान में रखो, और कुछ नहीं रखोगे तो चलेगा। आपको फीलिंग इजी नहीं लग रही है, कुछ गड़बड़ी लग रही है तो खाना छोड़ दो, एनिमा ले लो, आंतों में भरा हुआ मल निकाल दो, उपवास कर लो, फास्टिंग कर लो। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, पहले भी एक बार मैंने बता दिया है, अपने आरोग्य यात्रा गुजराती में जब चलती थी शायद। कोरोना काल में एक बहन थी, वो नर्स की ड्यूटी करती थी हॉस्पिटल में, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में। उन्होंने 15 दिन कंटिन्यूअस 24 घंटा ड्यूटी करके जब घर आई बहन, तो उसको दूसरे दिन सिम्टम्स आ गए कोरोना के। उनकी माँ ने उनको याद दिलाया कि बेटा ऐसा कुछ शरीर में हो जाए मतलब क्या है, शरीर में कचरा बढ़ गया है, सिंपल सी बात है, कचरा बढ़ गया है इसीलिए सिम्टम्स आ गए हैं, कचरा निकालो और नया कचरा डालना बंद करो बस। उन्होंने, वो बहन ने 24 घंटा निर्जला कर लिया, 24 घंटा। दूसरे दिन एक भी कोरोना का लक्षण नहीं था उनके शरीर पे। तो ये इससे अच्छा रास्ता क्या है बचने का, इससे और कोई रास्ता है ही नहीं। शरीर की सफाई कर लो, कचरा डालना बंद करो, अपने आप ठीक हो जाओगे। हम गांव में से आए हैं, गाय भैंस जब बीमार पड़ती है तो खाना पीना छोड़ देती है, सब गांव वालों को पता है। अब जो अनपढ़ है, जो कहीं कभी कुछ बोल नहीं सकती, नहीं पढ़ी लिखी है, वो गाय को भी पता चलता है कि शरीर में गड़बड़ी है, खाना छोड़ दो, और वो 2 दिन खाना छोड़ देती है और ठीक हो जाती है। एक पढ़ा हुआ मनुष्य जो अपने आप को कितना होशियार मानता है, वो ये वायरस से मर रहे मुझे तो ऐसा लगता है कि हम पढ़े लिखे बोल ही नहीं सकते, ऐसा करने वाले पढ़े लिखे ही नहीं है। इससे अभन, अज्ञान, अज्ञानता कहीं नहीं है। मैं तो जंगली प्राणी से भी ऐसे लोगों को वो मानता हूं कि भी ये तो जंगली प्राणी से भी आप तो गए गुजरे हो, आपको इतना पता नहीं चलता है, एक शरीर में कचरा बढ़ गया है, चलो उसको निकालने के लिए खाना छोड़ दे। आप एक टाइम खाना, एक दिन खाना नहीं छोड़ सकते तो आपका जीवन का कोई मतलब नहीं है।
तो ये वायरस से पूरी दुनिया को वायरस ने हिला दिया है, लेकिन पूरी दुनिया गलत रास्ते पे है। आपने मेडिकल साइंस के ऊपर भरोसा कर करके उन्होंने इतना आपको डरा के रखा है कि आप उनके अलावा कुछ देख नहीं सकते, उनके अलावा कुछ सोच नहीं सकते हो। ये माइंड को वॉश कर लिया है। ये भी एक प्रकार का त्रासवाद है। लोगों के जीवन में सुखी लाने की जगह, सुख लाने की, आनंद लाने की जगह आप लोगों को परेशान करके डरा के जिंदा रख रहे हो। ये डराने का तो सबसे बड़ा पाप है। किसी को जीवन में डराना नहीं चाहिए, उसके जीवन में आनंद होना चाहिए। तो ये डरा डरा के जिंदा रख रहे हो। हमारी पॉलिसी ऐसी हो रही है, सरकार ये सोच रही है, लोग ऐसा सोच रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? हमारी संस्कृति ने कितनी बढ़िया बातें बताई है। आयुर्वेद ने लंगनम परम औषधि बताई है। क्यों बताया है? आपको कुछ भी हो रहा है, आप फास्टिंग कर लो। जैन शास्त्र में इतने उपवास का महत्व है। सबसे ज्यादा और अच्छा प्रयोग कोई करता है तो जैन धर्म वाले, सबसे ज्यादा उपवास वो लोग करते हैं। और 28 28 दिन कुछ भी खाते पीते नहीं है और पूरे शरीर की सफाई कर लेते हैं हर साल। चार नवरात्रि आते हैं। मुझे गर्व होता है कि नरेंद्र मोदी साहब पूरे चारों चार नवरात्रि कर रहे हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं, 9वें दिन उपवास के ऊपर रहते हैं, लींबू पानी पे रहते हैं वो। क्यों? क्योंकि पूरा साल भर जो भी खाया है, जितना कचरा इकट्ठा किया है, वो 4 बार 9 9 दिन खाना पीना छोड़ देते हैं, शरीर की सफाई कर लेते हैं। वो अभी अरिखम है। उनके हाथ नीचे काम करने वाले कई मिनिस्टर मर गए। क्यों? शरीर को संभाल नहीं पाए। दुनिया भर का नॉलेज था, बुद्धिशाली थे, होशियार थे, अच्छे थे। अच्छा होना और शरीर को अच्छी तरह संभालना दोनों अलग है, दोनों अलग ही बात है। ठीक है, तो आपकी अच्छाई को लोगों को ज्यादा सालों तक काम में आ जाए, इसके लिए आपको शरीर को संभालने की ज्ञान लेनी पड़ेगी, संभालना सीख लेना पड़ेगा, उपवास करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये पिछले जीवन में भी बहुत काम की चीज है। हाँ, जब बूढ़े हो जाते हैं तो जैन शास्त्र में संथारा नामक की एक एक्टिविटी है, क्रिया है। उसमें वो लोग लास्ट टाइम जब आता है तो खाना पीना छोड़ देते हैं। जब खाना पीना छोड़ देते हैं तो नहीं यूरिन होता है, नहीं पोटी होती है, नहीं कपड़े गंदे होते हैं, नहीं बिस्तर बिगड़ता है, किसी की सेवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भगवान का नाम लेते लेते वो भगवान को पाम लेते हैं। सेल्फ डिसीजन, अपने आप इच्छा मृत्यु कर सकते हैं। ये जैनों के पास से सीखने की जरूरत है, हिंदुओं को ये बात सीखने की जरूरत है। ऐसे तो जैन अलग नहीं है, हिंदू के ही है, लेकिन उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए वो बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। तो ये हर में से कुछ न कुछ सीखो। मुस्लिम लोग भी रोजा करते हैं, तो वो भी रोजा क्या है? शरीर सफाई की एक क्रिया है। तो ये सारी बातें समझ लो, प्रयोग करो। हाँ, आप पढ़े लिखे हो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी संस्कृति को भूल जाओ। ये बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये भाई ने, चेतन भाई ने हाँ एडवाइस दी कि भी साहब इसके ऊपर भी कुछ बोलिए। तो ये एक कड़वी है लेकिन सत्य बात है। आपको खाना पीना नहीं आता है, क्या खा रहे हो? आपको एक पैर में पहनने वाले जूते चाहिए तो आप इसी शोरूम में चले जाते हो लेने के लिए, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो पेट्रोल डालना है वो फुटपाथ पे ऊपर से गंदी घोबरे व्यक्ति के पास से ले लेते हो और खा लेते हो फुटपाथ पे खड़े खड़े। इतनी तमीज नहीं है कि कहाँ कौन सी चीज खाई जाए, कहाँ से खाई दी जाए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये भी नहीं है, आप सिर्फ दिखने में सुधरे हुए दिख रहे हो, साफ सुथरे दिखने में हो, शरीर के अंदर तो गंदे घोबरे हो। यही तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आहार का इंजीनियरिंग समझ लो, शरीर सफाई कैसे करनी है ध्यान में रखो। आपको खुद को पता चलना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना चाहिए। किसी की बातें में मत आइए,
खुद तय करो, एक्सपीरियंस करो, ये अनुभव जन्य है। अनुभव से ही पता चलता है कि भी इसका फायदा क्या है क्या नहीं है। दूसरा एक भाई है, उन्होंने लिखा है, उनका नंबर है, और एक महीना पहला मने एंजियोप्लास्टी करवाई छे ब्लॉकेज ने कारणे, मने बीजी आर्टरी मो पन ब्लॉकेज छे, तमारा वीडियो जोया तेमो तमे दूधीनो रस पीवानु कहेलो कहो छो, तो मारे दूधीनो रस क्यारे अने केटलो पीवो जोईए ते जनावा विनंती। तब ये भाई साहब को एंजियोप्लास्टी करवाया है, ब्लॉकेज था, दूसरी आर्टरी में भी ब्लॉकेज है, अब ये दूधी पे आ गए हैं। अकेली दूधी क्या करेगी, आपके शरीर में जो कचरा है उसको निकालना पड़ेगा। ब्लॉकेज को बाहर निकालने में दूधी, जो लोकी बोलते हैं उसको हिंदी में लोकी, तो लोकी की छल जो छाल होती है ऊपर की, लोकी के छिलका जो है उसके अंदर ब्राउन कलर का चिकना प्रवाही होता है, तो वो हमारे ब्लॉकेज को निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा लहसुन का रस भी इतना ही बढ़िया है। आप अदरक लइए तो वो भी आपके खून को पतला करने में काम आता है। तो हमने लहसुन, अदरक, लेमन, नींबू, एप्पल विनेगर और शहद, वो पांच चीज इकट्ठा करके हमने हृदय अमृत टॉनिक बनाया है जो ब्लॉकेज को निकालने का काम करता है। तो आपको एनडीएस तो करना ही है, सुबह में एनिमा लेना है, दोपहर तक उपवास करना है, दोपहर को हरी पत्ती, कच्ची सब्जी, फ्रूट सलाद अंकुरित खाना है, और साथ में ब्लॉकेज को जल्दी निकाले इसके लिए ऐसा हृदय अमृत टॉनिक या लौकी की छिलका का रस, वो सब प्रयोग में लेना है आपको, तो आपको जल्दी फायदा होगा। प्रयोग तो करना ही है, ऐसा मत सोचिए कि मैं अकेला लौकी का जूस निकाल के पी लूं और सुबह में चाय नाश्ता भी करूं, शाम को डेयरी प्रोडक्ट भी खाऊं, तीनों टाइम पकाया खाऊं और मैं अच्छा हो जाऊं, ये नहीं होने वाला है। आपको प्रयोग भी करना है, साथ में इसका हेल्प लेना है जल्दी रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये मैं दवाई खाता रहूं और मेरा जो रूटीन जो है तीनों टाइम पका के खाने का, उसमें से मुझे बाहर नहीं आना है, वो छोड़ना नहीं है और मुझे ठीक हो जाना है, तो ये कतई नहीं होने वाला है, ये कभी नहीं होने वाला है। तो ये पूरी जिंदगी आपको ये खाता रहना पड़ेगा। हाँ, कई लोग ऐसे भी है, हमारा हृदय अमृत टॉनिक हर रोज पी लेते हैं और खाते रहते हैं, हाँ, बढ़ने नहीं देते है, जो नया खा रहे हैं उसको निकाल देते हैं, खा रहे उसको निकाल देते है, वो अपनी बीमारी को ऐसे साइलेंट करके रखा है, बीमारी गई नहीं है लेकिन उसको बढ़ने नहीं देते है बस। तो ये तो ऐसा हुआ कि आपके शरीर में बीपी की बीमारी है और बीपी की गोली आप हर रोज खा रहे हो और बीपी को कंट्रोल कर रहे हो बस, तो ये तो क्या हो गया, ये बीपी की गोली जैसे साइड इफेक्ट करती है, तो ये जो हृदय अमृत टॉनिक है वो भी तो एक प्रकार की नेचुरल दवा है, उसकी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको इसके ऊपर डिपेंड तो रहना पड़ेगा। हाँ, पूरी जिंदगी आप यही पीते रहोगे तो ऐसा क्यों करें हम, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके ब्लॉकेज निकल जाए तब तक उसको पियो दो तीन महीना, फिर पूरी जिंदगी उसको पीने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो नया कचरा डालना ही बंद कर लो, खराब खुराक खाना ही छोड़ दो, अच्छा खाना चालू करो, ब्लॉकेज बढ़े नहीं ऐसा खुराक खाइए, और जो पुराना है उसको निकाल दो, बात खत्म हो गई, पूरी जिंदगी फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नया ब्लॉकेज न हो जाए इसके लिए हमारी सिस्टम को फॉलो करते रहिए, सुबह में उपवास कीजिए दोपहर तक, दोपहर को कच्चा खाइए, रात को एक टाइम पकाया खाइए, रात के पकाए में रिफाइंड तेल नहीं खाना है, पूरी जिंदगी रिफाइंड तेल छोड़ दो, फिल्टर तेल खाइए, ब्लॉकेज हो गया ही नहीं, तीन टाइम की जगह एक ही टाइम पकाया खाइए, ब्लॉकेज हो गया ही नहीं, चबा चबा के खाने की आदत डाल दो। हम बीमार नहीं है, योगा के मास्टर है, बाबा की तरह नोली क्रिया करते हैं, नोली सिखा सकते हैं, फिर भी मैं 50 डग भी घूमने नहीं जाता हूँ और शरीर को ठीक रखता हूँ, क्यों, आहार का इंजीनियरिंग समझ लिया है मैंने ना। तो आप भी आहार का इंजीनियरिंग समझ लो, आप भी कुछ भी किए बिना आपके शरीर को ठीक रख पा सकते हो। तो ये शॉर्ट वे, शॉर्ट रास्ते मत ढूंढिए, इस शॉर्ट रास्ते के हिसाब से
आज कोरोना पूरा दुनिया में हावी हो चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो गया हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बुखार की दवाई ले लेते हैं, जुकाम की दवाई ले लेते हैं, डायबिटीज की दवाई लेके चला लेते हैं। तो इसके हिसाब से आज कोरोना डरा रहा है। शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो, हाँ फिर कोरोना भी आपको नहीं डराएगा। कोरोना की ताकत ही नहीं है कि इतने मनुष्य को मार सके। और भगवान, आप एक ही बात सोच लो, सुन लो, समझ लो कि दुनिया में कोई बंदर, कोई गाय, कोई भैंस, कोई घेटा, कोई बकरा, किसी को कोरोना ने नहीं मारा है तो मनुष्य को क्यों मार रहा है? क्या भगवान ने कोरोना को बोल के भेजा है कि तुमको मनुष्य के अलावा दूसरे किसी प्राणी को मारना नहीं है? बस इतना तो सोचो, इतना सोचोगे तो भी आपको लाइट हो जाएगी। अरे ये दूसरे नहीं मर रहे तो हम क्यों मर रहे? कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं। ये गड़बड़ी को ढूंढ लो, और यही तो हम सिखाते हैं आपको, ठीक है? तो शरीर में कोई भी समस्या आनी नहीं चाहिए। समस्या के पीछे कोई कारण होता है, कारण को पहचान लो और वो दोबारा मत करो। गलती करना छोड़ दो, बार बार दारू पियोगे और बार बार जेल जाओ, वो तो क्या मतलब का जीवन है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये हार का इंजीनियरिंग सही तरह समझ लो। जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपने योगाहार की जो YouTube चैनल है इसके ऊपर योगाहार हिंदी में ये प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हर टॉपिक को मैंने डिटेल में समझाया है। एक वो बार बार देखिए, एक बार की बात नहीं है, बार बार देखना पड़ेगा। ये पुस्तक है पूरा, और पुस्तक में जो चीजें है वो सारी बातें इसमें बताई है। आप उसको रिवीजन करते रहिए तभी आपको पता चलेगा कि हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है। इसकी लिंक चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हाई कीजिए, तुरंत आपको रिटर्न मैसेज में मिल जाएगा। आपको अच्छी बातें, अच्छी चीजें बना के खाने की शौक है तो हमारी दूसरी ये फूड विथ लाइफ योगा नाम की यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाइए और वहां से अच्छी अच्छी चीजें की रेसिपी देखिए और बनाइए और खाइए और मजा करिए। हाँ ठीक है, तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।